नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस एस सी रीड पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 40 है अगर आपने इससे पिछले वाले पार्टों को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा उससे पहले दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर एस एस सी एम टी एस सी सी बैंक रेलवे आर्मी सीआरपीएफ, आर पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को शामिल किया है वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर पहले प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों मुर्गा का संबंध दोस्तों यहाँ पर मुर्गी से दिया है उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर बीजासु का संबंध दोस्तों किससे होगा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्ग जाए कौन से शब्द आएंगे अब दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मुर्गा दिया है दोस्तों अब मुर्गा से क्या हो गया दोस्तों मुर्गी हो गया यानी कि दोस्तों यहाँ पर पुल्लिंग से क्या हो गया है स्त्रीलिंग हो गया है उसी प्रकार हम पहले ये जानेंगे कि यहाँ पर बिजास का मतलब दोस्तों होता क्या है बिजासव का मतलब होता है घोड़ा और घोड़ा का दोस्तों क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग घोड़ी हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क जाएगा घोड़ी हो जाएगा देखेंगे दोस्तों घोड़े किस ऑप्शन में दिए गए तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर दोस्तों दूसरे प्रश्न को देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए तो यहां पर दोस्तों दिया गया है दस का संबंध दोस्तों यहां पर जीरो से दिया गया है सोलह का संबंध दोस्तों यहाँ पर तीन से है तो उसी प्रकार हमें बताना है कि यहाँ पर बारह का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा अब दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे दस से दोस्तों दस को हम क्या करें कि यहाँ पर जीरो आ जाए उसी प्रकार यहाँ पर जिस प्रकार यहाँ पर सोलह को आपस में हम क्या करें कि यहाँ पर दोस्तों तीन आ जाए तो यानी कि दोस्तों पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे जो लॉजिक दोस्तों इसमें लगा होगा वही सेम लॉजिक लगा करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब दोस्तों देखेंगे दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखेंगे दस दोस्तों दो संख्याओं से मिल करके बना है यानी कि दोस्तों यहां पर एक और जीरो से क्या करेंगे दोस्तों हम क्या करेंगे तो एक का गुड़ा दोस्तों क्या करेंगे जीरो से कर देंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर जीरो हो जाएगा और दोस्तों क्या करेंगे यहां पर जीरो में क्या करेंगे हम दो से भाग देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा यहां पर जीरो ही हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या है देखेंगे यहाँ पर जीरो लिखा गया है उसी सेम प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर सोलह दिया गया है तो दोस्तों सोलह को दोस्तों हम क्या करेंगे यहां पर आपस में गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर एक का गुड़ा छह से करेंगे तो यहाँ पर छह एक कितना हो जाएगा दोस्तों छह हो जाएगा और छह का जो है दोस्तों दो से हम भाग कर देंगे यानी कि दो से भाग करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर दो तिहाई छह हो जाएगा जो दोस्तों यहाँ पर तीन लिखा गया यानी कि दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे दोस्तों क्या करेंगे हमने क्या किया दोस्तों इन दोनों संख्याओं को आपस में हमने गुड़ा किया गुड़ा करने के बाद दोस्तों जो योग फल हमें प्राप्त हुआ उसमें क्या किया दोस्तों हमने दो से भाग कर दिया है तो उसी प्रकार दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर बारह को दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एक और दो है दिया है तो एक का गुड़ा दोस्तों क्या करेंगे हम दो से करेंगे तो यहाँ की दोस्तों यहाँ पर दो हो जाएगा और दोस्तों दो का क्या करेंगे जिस प्रकार हमने इसमें दो यहाँ पर दिया था भाग दिया था दो से यहां पर इसमें भी दिया था दो से भाग तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दो से भाग दे देंगे तो दो एक के दो हो जाएगा दोस्तों देखेंगे एक दोस्तों किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए आपका एक आपका सही हो जाएगा तो यानी कि दोस्तों एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझाना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमने क्या किया तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक और दो को आपस में क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो एक दो कितना हो जाएगा दोस्तों दो हो जाएगा और दो से क्या करेंगे दोस्तों हम दो से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा एक हो जाएगा यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है वो आप यहाँ क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो देखेंगे एक ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर तीन दिया है यहां पर दिया गया है दोस्तों ए बी का संबंध दोस्तों यहां पर डी एच से है तो यहां पर डी ई e का संबंध दोस्तों हमें बताना है कि यहां पर क्वेश्चन मार्ग जहां कौन से अक्षर आएंगे अब दोस्तों कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो अगर आपको नहीं समझ में आता है कैसे सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है एक बार इन इन अक्षरों का क्या करना है नंबरिंग कर लेना है नंबरिंग करने का मतलब यह है दोस्तों आप देखेंगे ए बी सी डी के कर्मानुसार में तो यहाँ पर ए दोस्तों कितने नंबर पर आता है तो एक नंबर पर आता है और यहाँ पर बी दोस्तों दो नंबर पर आता है डी दोस्तों यहाँ पर चार नंबर पर आता है और ये जो दोस्तों कितने नंबर पे आता है आठ नंबर पे आता है तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या किया है यहाँ पर एक से दोस्तों यहाँ पर चार हो गया है यानी कि दोस्तों यहाँ पर एक का गुड़ा कितना किया है चार से किया है यानी कि एक चौके चार हो जाएगा अब यहाँ पर दो का गूड़ा दोस्तों यहाँ पर चार से किया है तो यहाँ पर दो चौके कितना हो जाएगा दोस्तों आठ हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों क्या किया है गुड़े चार गुढ़े चार यानी कि दोस्तों उसका चार गुना लिखा है तो उसी प्रकार हम दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर पहले हम डी का दोस्तों कितने नंबर पर आता है यहाँ पर चार नंबर पर आता है और ये दोस्तों कितने नंबर पे आता है पांच नंबर पे आता है तो पांच का गुणा चार से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा पांच का गुणा चार से करेंगे यहां पर दोस्तों कितना हो जाएगा पाँच चौके बीस हो जाएगा और यहां पर दोस्तों चार का गुड़ा दोस्तों चार से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहां पर चार चौके सोलह हो जाएगा अब दोस्तों हम क्या करेंगे यहां पर देखेंगे तो यहां पर सोलह नंबर पे कौन सा अच्छा आता है तो यहां पर सोलह नंबर पे आता है पी आता है और बीस नंबर पे, पे कौन सा अच्छर आता है दोस्तों टी आता है तो यहां पर दोस्तों क्या मिला हमें पी और टी देखेंगे दोस्तों पी और टी किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर टू आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर चार को देखिए प्रश्न नंबर चार दोस्तों वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा दोस्तों यहाँ पर तीन शब्द दिए गए हैं और इन तीनों शब्दों का आपस में कैसे संबंध हो सकता है कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर दोस्तों दिया गया है चेरी दिया गया दोस्तों फल दिया गया है और खाद्य दिया गया है तो यानी कि दोस्तों इन तीनों का आपस में हमको संबंध बताना है तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहां पर खाद्य के अंतर्गत दोस्तों यानी कि दोस्तों खाद्य मतलब खाने वाली चीजें खाद्य के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है फल आता है और फल के अंतर्गत अंतर्गत क्या क्या आता आता है 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 दोस्तों दोस्तों पर चेरी आता है। चेरी दोस्तों क्या है? एक प्रकार का फल होता है तो इसका वेन डायग्राम दोस्तों कुछ इस टाइप से बनेगा तो पर दोस्तों क्या बनेगा पहले खाद्य यानी कि दोस्तों ये खाद्य का हो जाएगा और खाद्य के अंतर्गत क्या आ जाएगा दोस्तों यहां पर खाने वाली चीजों के अंतर्गत यानी कि यहां पर फल आ जाएगा तो यहां पर फल इसके अंतर्गत आ जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर चेरी दिया गया तो चेरी दोस्तों क्या होता है फल के अंदर आता है तो यहां पर इसके अंदर यहाँ पर चेरी हो जाएगा तो यहाँ पर इस टाइप का वेन डायग्राम देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पांचवें प्रश्न को देखिए पांचवा प्रश्न दोस्तों नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों एक सीरीज दी गई है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इसी क्वेश्चन मार्क जाएगा दोस्तों कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है तो अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तीन से दोस्तों यहाँ पर आठ हो गया यानी कि दोस्तों प्लस क्या कर दिया है पाँच कर दिया उसके बाद आठ से दोस्तों क्या हो गया है यहाँ पर पंद्रह हो गया तो आठ सात पंद्रह यानी कि दोस्तों प्लस सात कर दिया है उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर पंद्रह से यहाँ पर छब्बीस हो गया है तो पंद्रह में क्या प्लस करेंगे दोस्तों यहाँ पर छब्बीस हो जाए तो यहाँ पर प्लस ग्यारह कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा अब उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि अगला संख्या क्या होगा अब दोस्तों पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे तो पर पहले हमने क्या किया प्लस पाँच किया प्लस सात किया प्लस ग्यारह किया यानी कि दोस्तों यहाँ पर पाँच सात और ग्यारह ये दोस्तों क्या कौन सी संख्याएँ लग देखने को मिल रही हैं तो ये क्या है दोस्तों ये ये अभाज्य संख्याएँ हैं यानी कि दोस्तों यहाँ पर पाँच सात ग्यारह ग्यारह के बाद दोस्तों कौन सी अभाज्य संख्या आएगी यहाँ पर तेरह आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर छब्बीस में प्लस तेरह करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर उनतालीस हो जाएगा देखेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर दोस्तों छठवा प्रश्न को देखिए छठवां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप वीडियो को रोक करके खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करें तो यहां पर दोस्तों दिया गया है नौ स्टार सात बराबर बत्तीस आए और यहां पर तेरह स्टार सात बराबर एक सौ बीस सत्रह स्टार नौ बराबर दो सौ आठ दिया है तो यहां पर उन्नीस स्टार ग्यारह बराबर हमसे पूछ रहा है यहां पर क्वेश्चन मार कौन सी संख्या आएगी अब देखेंगे दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे नौ और सात को हम आपस में क्या करें कि यहाँ पर बत्तीस हो जाए दोस्तों अगर दोस्तों नौ का गुणा हम क्या करेंगे सात से करेंगे नौ सत्या क्या हो जाएगा दोस्तों तिरसठ हो जाएगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर बत्तीस नहीं मिल रहा है अगर हम क्या करेंगे दोस्तों जोड़ेंगे घटाएंगे या कुछ भी करेंगे तो यहाँ पर बत्तीस नहीं आने वाला है तो हम ऐसा क्या तरीका लगाएं कि जो यहाँ पर बत्तीस आ जाए अगर दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर अपना दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आने लगेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे नौ सात क्या जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा नौ प्लस सात करेंगे दोस्तों एक बार आप

तेरह और सात को हम पहले प्लस करेंगे जिस प्रकार हमने इसमें किया था उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों तेरह सात प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहां पर बीस हो जाएगा और उसके बाद क्या करेंगे अब क्या करेंगे पहले हमने इसको प्लस किया अब अब क्या करेंगे दोस्तों तेरह में से सात को माइनस करेंगे तो तेरह में से सात को जब माइनस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर दोस्तों तेरह में से सात को माइनस करेंगे तो यहां पर छह हो जाएगा तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों गुड़े छह कर देंगे यानी कि दोस्तों इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में गुड़ा कर देंगे तो बीस छक्का क्या होता है दोस्तों एक होता है जो कि दोस्तों यहाँ पर एक लिखा गया है उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर सत्रह और यहाँ पर नौ को हम क्या करेंगे पहले प्लस करेंगे यानी कि पहले जोड़ेंगे तो सत्रह और नौ को हम प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा छब्बीस हो जाएगा तो छब्बीस लिख लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों अब हम क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं को आपस में माइनस करेंगे यानी कि सत्रह में से नौ को घटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा नौ आठ सत्रह होता है तो यहाँ पर आठ हो जाएगा तो यहाँ पर आठ का गुणा हम क्या करेंगे छब्बीस गुड़े आठ कर देंगे तो कितना हो जाएगा आठ छं क्या होता है दोस्तों आठ छं अड़तालीस होता है तो यहाँ पर अठ अड़तालीस और यहाँ पर आठ दूनी सोलह सोलह चार क्या होता है दोस्तों बीस होता है यानी कि दोस्तों दो सौ आठ हमें देखने को मिल रहा है तो जो कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है उसी सेम प्रकार से, से दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर उन्नीस और ग्यारह को हम पहले आपस में प्लस करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो उन्नीस और ग्यारह जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा तो यहाँ पर उन्नीस और यहाँ पर ग्यारह को हम जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा तीस हो जाएगा और यहां पर क्या करेंगे अब हम क्या करेंगे ग्यारह को हम क्या करेंगे उन्नीस में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहां पर यहां पर आठ हो जाएगा तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों का गुड़ा आठ से कर देंगे दोस्तों कितना हो तीन अठे चौबीस कर, आठ करेंगे दोस्तों कितना हो तीस अट्ठे कितना होता है दोस्तों दो सौ चालीस होता है देखेंगे दोस्तों दो सौ चालीस किस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर दोस्तों सातवें प्रश्न को देखिए सातवा प्रश्न दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों यह नंबर एनोलॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है तो सॉल्व कैसे करेंगे यहां पर दिया गया है दोस्तों 248 का संबंध तीन से है उसी प्रकार हमें बताना है 328 का संबंध किस संख्या से होगा अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे यहां पर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा तो यहां पर दिया गया है दोस्तों दो सौ अड़तालीस दिए गए हैं अगर आप देखेंगे दो सौ अड़तालीस तीन संख्याओं से मिलकर के बनाए तो यहाँ पर क्या करेंगे दो और चार को हम एक साथ ले लेते हैं यानी कि दोस्तों चौबीस हो गया और यहाँ पर ये यह आठ को क्या करेंगे दोस्तों अलग कर देंगे और यहाँ पर आठ से क्या करेंगे दोस्तों इसमें भाग दे देंगे तो आठ तरीक क्या होता है दोस्तों चौबीस होता है यानी कि दोस्तों क्या करेंगे चौबीस में से हम क्या करेंगे चौबीस में आठ से भाग कर देंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आठ तरीक चौबीस हो जाएगा जो कि दोस्तों यहाँ पर तीन लिखा गया है उसी प्रकार हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर बत्तीस हो गया यानी कि तीन और दो को हम क्या करेंगे एक साथ में ले ले देंगे और उसके बाद आठ को क्या कर देंगे तो आठ आठ से हम भाग दे देंगे तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर बत्तीस में से हम क्या करेंगे बत्तीस में आठ से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आठ चौकी क्या होता है दोस्तों बत्तीस होता है यानी कि दोस्तों यहाँ पर चार हमें मिल रहा है तो देखेंगे दोस्तों चार किस ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है क्या है दोस्तों चार है तो यहाँ पर चार आपका भरा जाएगा तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर दोस्तों आठवें प्रश्न को देखिए आठवां प्रश्न दोस्तों नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है तो सॉल्व कैसे करेंगे पहले हम सीरीज को ध्यान से देखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहां पर दोस्तों ध्यान से देखने का मतलब यह है कि आप देखेंगे सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है तो यहां पर आप देखेंगे एक से दोस्तों पांच हो गया और पांच से दोस्तों तेरह हो गया तेरह से पच्चीस हो गया और यहाँ पर पच्चीस से दोस्तों इकतालीस हो गया उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया और इसी क्वेश्चन मार्क दिया है कौन सी संख्या आएगी हमें पता करना है अब देखेंगे दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे एक से क्या हो गया दोस्तों पाँच हो गया यानी कि दोस्तों कितने का गैप है एक में कितना प्लस करेंगे दोस्तों पाँच हो जाएगा चार तो यहाँ पर चार का गैप है उसके बाद आप देखेंगे तो पाँच से क्या हो गया दोस्तों तेरह हो गया है तो यहाँ पर पांच से तो तेरह हो गया है यानी कि दोस्तों यहाँ पर आठ का गैप दिया है उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो तेरह से पच्चीस हो गया है यानी कि दोस्तों कितने का गैप किया है तो यहाँ पर तेरह में कितना प्लस कर देंगे पच्चीस हो जाएगा अगर बारह प्लस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा उसके बाद आप देखेंगे पच्चीस से दोस्तों क्या हो गया है इकतालीस हो गया है यानी कि दोस्तों इसमें पच्चीस में कितना प्लस करेंगे दोस्तों इकतालीस हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप सोलह ऐड करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा इकतालीस हो जाएगा अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर सीरीज क्या चल रहा है तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे पहले यहां पर पहले प्लस चार हो रहा है फिर प्लस आठ फिर प्लस बारह फिर सोलह यानी कि दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे सीरीज को तो यहां पर क्या है चार का टेबल यानी कि चार का पहाड़ा है तो यहाँ पर चार दुनी आठ चार बारह चार, चार चौके सोला और यहाँ पर क्या करेंगे उसके बाद चार पच्चीस बीस यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम इकतालीस में प्लस बीस करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा तो यहाँ पर एकसठ हो जाएगा तो यानी कि दोस्तों क्वेश्चन मार्क जो वैल्यू है वो इकसठ है देखेंगे दोस्तों इकसठ किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों नवे प्रश्न को देखिए नौ प्रश्न है दोस्तों दिए गए विकल्पों में से विषम को चुनिए दोस्तों यहां पर हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सबसे अलग है यानी कि सबसे विषम कौन सा है तो अब देखेंगे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर आप ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहां पर सत्तानवे दिया है और यहां पर सोलह दिया है उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो यहां पर अठहत्तर और पंद्रह दिया है और यहां पर देखेंगे अट्ठावन तेरह दिया है और उनहत्तर यहाँ पर चौदह दिया है तो कैसे पता करेंगे अगर दोस्तों आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ

आठ और यहाँ पर पांच और आठ को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आठ पाँच तेरह होता है तो यहाँ पर तेरह लिखा गया है और यहाँ पर आप देखेंगे छह और यहाँ पर नौ को आपस में प्लस करेंगे तो नौ छह पंद्रह होता है लेकिन दोस्तों यहाँ पर चौदह लिखा है तो इसलिए सबसे अलग जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा यानी कि दोस्तों इसमें से विषम कौन सा है ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है अंतिम प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहां पर दिया गया है दोस्तों निम्न में से कौन सी आकृति निम्न के बीच के संबंध को दर्शाती है दोस्तों ये वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर दिया गया है दोस्तों तीन शब्द दिए गए मिनट दिन और महीना दिया गया है दोस्तों हमें बताना है इसका सही जवाब क्या होगा यानी कि दोस्तों इसको किस वेन डायग्राम से हम इसे प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है मिनट दिया गया है दिन दिया गया और महीना दिया गया है तो अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर महीने के अंतर्गत क्या आता है दिन आता है और दिन के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों मिनट आता है तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा तो यहाँ पर